तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है, लिटरली मतलब हार्डकोर में बहुत दिन बाद हमारे साथ मतलब आपके साथ हमारा मतलब मुलाकात हो रहा है, स्क्रीन टू स्क्रीन मुलाकात। तो इसको छोड़ो। तो मैं जो कह रहा था कि पिछली वाला एपिसोड में आप लोग सब लोगों को पता होगा कि आप लोग देखे हो तब पता होगा कि मैंने वंडर को मारने का चैलेंज लिया था और मैं बुरी तरीके से फेलियर हुआ था, मैं भाग के आ गया था। तो छोड़ो उस विंटर को, वहाँ पे उसको जीने दो। मैं सिद्धांत लिया हूँ कि उस विंटर को छोड़ दो। हम लोग ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत करके 6 विंटर स्केलेटन का स्काल कलेक्ट कर चुके हैं और इससे आज हम लोग बनाने वाले हैं, लिटरली दोस्तों बनाने वाले हैं एक विंटर को और उसको मारने वाले हैं। और इस बार मैं पूरा लिटरली पूरा प्रॉपर तरीके से मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, एकदम A to Z में सब कुछ लेके चलूंगा विंटर को मारने के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये शानदार वाला विंटर को मारने वाला सबसे आसान तरीके वाला वीडियो। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत वर्ल्ड का चेंजेस भी किया हूँ, शानदार तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा शानदार सा एक पोशन रूम। चलो खत्म हो चुका है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक पोशन रूम है जहाँ पे पोशन मोशन मैं बनाता हूँ और इधर पे जो हमारा गोल्ड फार्म था मैं उसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि इस तरफ थोड़ा बहुत मैं एक गोल्डन मेंशन बनाने वाला हूँ जल्दी ही। तो वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिन बंदों ने नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गोल्डन मेंशन बहुत ज़्यादा ओपी दिखने वाला है। तो और एक बात, यहाँ पे मेरा गोल्डन जो विला था, किला था, मतलब गोल्डन किला था वो ऐसे पत्थर की तरह, वो मैंने तोड़ दिया हो क्योंकि वो अच्छे भी लग नहीं रहा था और मुझे गोल्ड का ज़रूरत भी था। तो उसको छोड़ो। और इधर पे मेरा देख पा रहे हो अल्टीमेट स्टोरेज रूम, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ इस तरफ स्लॉटिंग सिस्टम, अल्टीमेट स्लॉटिंग सिस्टम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंटम स्पॉन होने वाला है क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, लगातार जग जग के काम कर रहा था। यहाँ पे तो फैंटम का बारात आने वाला है, मैं थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेता हूँ और चलते हैं। आज हम लोग विंटर को मारने वाले हैं एकदम नेदर में नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, नेदर में हो तो मैं मारने वाला हूँ अंडरग्राउंड। हाँ चलो 3 विंटर स्केलेटन का स्कल कलेक्ट कर लेते हैं, 3 विंटर स्कल और ये सब कुछ कलेक्ट हो चुका है। और मैं हेविल से क्या करूँगा इसको, अब मैं स्वाड लेके पकड़ा नहीं हूँ, नहीं तो तुझे मार देता। तो चलो यहाँ पे फालतू का सामान को, ओ 2 मिला है मुझको, एक और कलेक्ट करना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा। चलो बो को ले लाते हैं और क्या कर सकते हैं, और हम लोग निकल पड़ते हैं यहाँ पे इस कल को कलेक्ट करते हैं। चलो और ये विंटर बेटा मुझे जता के रहेगा, मैं इसको मार में विंटर नहीं ये फैंटम, मैं बातों में विंटर ज़्यादा बोलता हूँ। ये रहा हमारा बो, तो अब निकलते हैं। चलो और ज़्यादा देरी मुझे पसंद नहीं है। तो देखो सारा का सारा पोशन जुगाड़ मुगाड़ में सब कुछ कलेक्ट कर लिया हूँ। और एक बात, एक काम रह चुका है, मैं इधर से ले लेता हूँ। इधर पे देखो मेरा एंट्री चेस्ट, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल्क हाथ में हैंड ओवर कर लेता हूँ, ये खाने को थोड़ा ज़्यादा, और ये हेल्थ वाला पोशन तो चाहिए ही हम। और बेसिकली हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड पोशन ऑफ स्वीटनेस एंड क्या चाहिए हमको, ये वाला मिल्क और एक बो यहाँ पर। और ये रोटन फ्लैश को फेंको, दरवाजा में फेंक दिया, मुझे कलेक्ट तो फिर से हो जाएगा, यहाँ पे फेंकेंगे। चलो इसको मैं फेंक डाला, अब चलते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड टनल भी मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है, यहाँ पे देख सकते हो ये है ऊपर आने की, ये है नीचे जाने की। चलो नीचे चलते हैं हम लोग, आ चुके हैं नीचे पे, ये हम लोग निकल गए और हम लोग विंटर को मारने वाले थोड़ा ज़्यादा दूरी पे। तो मैं इधर पे जो टनल है इस टनल से ही चलता हूँ। यहाँ पे गोल्ड मोल्ड है, मैंने कलेक्ट नहीं किया रे, कलेक्ट कर लेंगे कई दिनों में, आज तो विंटर को मारने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल सी काम है। तो चलो इधर पे हम लोग थोड़ा बहुत और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा जो मेरा कसल से बहुत दूर होना चाहिए, मतलब मेरा जो किंगडम है उससे बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत आ जाए तो हम लोग भाग के आ जाए तो। इधर पे हम लोग डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं। तो चलो इस तरफ थोड़ा बहुत डिगिंग करते हैं और चलते हैं इस तरफ मारने के लिए विंटर को। चलो डायमंड मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये डायमंड लैटिट्यूड है 11। ये पत्थर तो स्ट्रॉन्ग है ना, नहीं तो पत्थर टूट जाएगा, क्योंकि मैं इधर पे एक सबसे ख़तरनाक वाला
हाँ, एंडर ड्रैगन से तो इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंडर ड्रैगन से डेफिनेटली ये खतरनाक होता है। इसको हम लोग स्पॉन करने वाले हैं तो ये होने वाला है। अरे भाई, अरे भाई गायब हो गया। चलो इधर से मैं भाग लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं है वो कब मेरे ऊपर अटैक कर दे। वो ऐसे करके क्या ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाते जाते मैं तुझको मार दूंगा डेफिनेटली। चलो 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 दोस्तों, भागो 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 भागो। चलो हम लोग वैसे क्या लिए यहाँ पे बच चुके हैं फिर से, और इसका हेल्थ क्या अपग्रेड हो रहा है। चलो छोड़ो, और इधर पे अंधेरा हो गया फिर से। यही तो दिक्कत की बात है, मुझे दिखाई कुछ भी नहीं देगा। भाई पोशन, अब नाइट विजन चलो लाते हैं, और कोई 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 काम नहीं है हमारे यहाँ पे। और ये ऊपर ना निकल जाए, यही दिक्कत की बात है। 2000 years later तो दोस्तों यहाँ पे जब विंटर का जान और थोड़ा सा बचा हुआ था, तब मुझे याद आया कि मैंने तो रिकॉर्ड को भी ऑन नहीं किया। मतलब रिकॉर्ड को मैंने थोड़ा बहुत पॉज किया था, और मैंने स्टार्ट ऑन करना ही भूल गया। ये बहुत घटिया बात है, मैंने कितना मुश्किल से इस विंटर को। आ भाई 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 भाई, मैं कितना मुश्किल से इसको मारा। और ये कमीनो मेरे को। यहाँ पे टोटा मैं रेडी करके रखता हूँ, क्योंकि ये अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ओ आया 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 मेरे को। ओ मरने वाला है, मरने वाला है। लिटरली 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 ये खुद ब खुद मर गया रे, ये तो अच्छी बात नहीं। ओ नेदर स्टार, ओ खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। मैंने सोच रहा था कि हमारा नेदर स्टार लाभा में गिर जाए तो ये जल जा सकते। तो चलो वेल डन दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक मजेदार सा चीज हो गया कि विंटर खुद ब खुद मर गया। मतलब खुद ब खुद नहीं मरा, खुद ब खुद कैसे मर जा सकता है। दोस्तों मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे एक मजेदार सा चीज हो गया कि विंटर अपना अटैक से अपना आप अपने को ही मतलब तोड़ डाला, मतलब अपना अटैक अपने सर में ही लग गया और वो मर गया वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमको मिल चुका है हमारा प्यारा सा नेदर स्टार, जिससे हम लोग बना सकते हैं एक अल्टीमेट बीकन, और बीकन से कर सकते हैं क्या कुछ ना कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत शानदार शानदार सा चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा तबाही हुआ है कभी। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बैड लक है कि मुझे डायमंड नहीं मिला। इतना ज़्यादा तबाही के बाद भी मुझे डायमंड, एक भी डायमंड और नहीं मिला। मैंने सोच रहा था कि विंटर से मैं डायमंड माइन करूँगा, अगली वीडियो से एक नया सा सीरीज होगा, सीरीज का नाम होगा विंटर से डायमंड माइन कैसे करते हैं। तो चलो छोड़ो बकवास की बातों को छोड़ो, चलो हम लोग चलते हैं हमारा वर्ल्ड में। काल तो बचा हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करके हम लोग एक और बार विंटर को मार सकते हैं। ओ भाई यहाँ पे अंधेरा। ओ मैंने डर गया था कि यहाँ पे क्या विंटर को। चलो हम लोग पहले, ओ मैंने मैंने नाइट विजन पोशन पिला हुआ, वो इसीलिए ऐसा इफेक्ट आ रहा। मैं डर गया था कि यहाँ पे विंटर आ गया तो मेरा मतलब किंगडम का तबाही, मतलब मेरा शहर का, मेरा ड्रीम शहर का सब कुछ खत्म कर देगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे सोएंगे चैंद का नींद, क्योंकि विंटर को मार गया है तो सोना तो बनता है। वेल दोस्तों द नेक्स्ट डे, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुकी है, और मैंने हम लोग एक बीकन इस वीडियो में ही बना लेते हैं। हाँ कहीं पे भी एक बीकन तो बनाना ज़रूरत है, नहीं तो चांद मतलब चैन नहीं आएगा। तो चलो एक बीकन बनाते हैं और इस वीडियो का एंडिंग करते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, विंटर को मारना थोड़ा बहुत सिंपल नहीं था। मेरा जितना इतना पोशन इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मैं ये 4 या 5 लेके गया था। तो चलिए मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, कहाँ पे था। और ये जो गोल्ड का मेंशन मैंने तोड़ा हूँ यहाँ, इसका गोल्ड मैंने कहाँ पर रख दिया भाई। ओ मैंने ही मेरा सल्कर सल्कर नहीं सल्कर बॉक्स तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने रखा हो मेरा ये अल्टीमेट स्टोरेज रूम में कहीं पे। ओ यहाँ ये वाला चेस्ट में, ये वाला चेस्ट में सब गुप्त धन यहाँ पर रखा हुआ है, देख लो। मुझे
और भी 10 नेदर स्क्रैप्ट मिला था। हाँ, नेदर माइनिंग के लिए मैंने गया था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ माइनक्राफ्ट में, लिटरली। आप लोग सोचे ना होगे मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो चलो पहले खाना खाते हैं और इस विंटर, ओ इसको बीकन भी तो बनाना पड़ेगा। मेरे पास ऑक्सीडियन पड़ा हुआ होगा लगता है। अब मैंने टोटम को खाने के लिए जा रहा था, कितना हो चुका है। इधर पे हम लोग बनाते हैं एक गोल्डन बेकन, और क्या ऐसे करके ही बनता है ना भाई, ऐसे ही बनता है। चलो बन जाएगा। A few moments later, हमारा प्यारा सा बिकन का गोल्ड का प्लेटफॉर्म बन चुका है और मुझे यहाँ बिकन बनाना है। और ये तू यहाँ पे चूरन क्या कर रहा है तू? मैं तुझसे क्या डरूंगा। तो चलो यहाँ पे मुझको चाहिए ऑक्सीडियन और थोड़ा बहुत ग्लास। ग्लास तो मुझको यहाँ से मिल जाएगा, तो ऑक्सीडियन कलेक्ट करने के चलते हैं। हाँ भाई, मैं ऑक्सीडियन कलेक्ट करने का एक जुगाड़ बताता हूँ आप लोगों को। ये इसको तोड़ देना है, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग, मैं ऑक्सीजन कहाँ पे किस चेस्ट में पड़ा हुआ है वो मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा था। तो चलो ऐसे ही बीकन बना लेते। तो यह हमारा बीकन प्यारा सब बन चुका है और इसको हम लोग वो जाने हैं प्लेस करने वाले हैं। चलो प्लेस करते हैं जल्दी से जाके। हमारा बीकन प्लेस और ये हो गया ये एक्टिव। चलो इसका पावर तो इस्तेमाल हम लोग डेफिनेटली करेंगे। इसके लिए कुछ मैं एमरल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि एमरल में थोड़ा बहुत डायमंड है, कभी भी नहीं। डायमंड से एमरल अच्छा होता है यहाँ पे वीकेंड की माने तो। मैं 2 एमरल लाया हूँ और चलो इस पे स्पीड बूस्ट लेंगे और रिजेनरेशन। चलो ये ही मुझे चाहिए था। और जाम बूस्ट भी ले सकते हैं। नहीं, हम लोग 2 नहीं ले सकते। तो चलो इसको तो एक्टिव कर दिया मैं। ये क्या है? और ये जाम बूस्ट है और ये है स्पीड। नहीं, हाँ, ये स्पीड है। चलो तो मुझे सिर्फ स्पीड मिला है, ये कैसे हो सकता है? ओ इसको दबाना पड़ेगा भाई। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे 14-14 सेकंड का मिल चुका है स्पीड बूस्ट और रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मेरा हार्ट भी एक्सपेंड होने रहेंगे और मैं अभी जोर से दौड़ सकता हूँ। मतलब मेरा दौड़ने का स्पीड तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हाँ हुआ है, एकदम घटिया सा नहीं। चलो यहाँ पे हमारा इस वर्ल्ड में वीकेंड भी आ गया, ये कितना खुशी का बात है। मैं खुशी रोक के नहीं रख सकता हूँ दोस्तों। और क्या बात बताओ, यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है, इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि हमने एक वर्ल्ड विंटर को मारा और हमारा वर्ल्ड का प्यारा सा वीकेंड बना डाला। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा वीकेंड तो बन चुका है और अगले वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्या कुछ, इसको तगड़ा से अपग्रेड करेंगे हमारा वर्ल्ड को। मैंने अभी तक सोच के नहीं रखा हो कि अगले वीडियो में लगता है शायद गोल्ड फार्म नहीं, हम लोग गोल्ड मेंशन बना सकते हैं। हाँ, गोल्ड मेंशन बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पे आज का ये वीडियो शानदार सा विंटर को किल करने वाला धांसू वाला मस्त मसाले वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं इसका कोई दूसरा वाला शानदार वीडियो में, इस माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज का। और मेरा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज भी कंटिन्यू है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आई बटन में भी लिंक मिल जा सकता है और तुम मेरे चैनल में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अपना भाई का चैनल समझ के सब्सक्राइब कर दो। तो लोग मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ज़्यादा वीडियो को लंबा बनाना अच्छा नहीं है। महेश, वीडियो ख़त्म हो चुका है, मुझे थोड़ा बहुत मैगी खाना है, तू जल्दी से पानी उबलने के लिए दे।